कई बार मैंने वीडियो में बोला है यार, वो चीजें फॉलो करो जो जेन्युइन है। वायरल हो गए होते हैं ना, वो सारे के सारे फेक होते हैं। उबली सहित 8 जोन का RTI रिप्लाई आया, और देख जनरल के फॉर्म होते हैं, और आप लोगों के OBC के फॉर्म होते हैं, और ये EWS के फॉर्म होते हैं, और आप लोगों के SC के होते हैं और ST के होते हैं। आइए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 की तरफ फोकस करते हैं। और मैंने कई बार वीडियो में बोला है यार, वो चीजें फॉलो करो जो जेन्युइन है। अरे आपके लिए कोई वीडियो काम की है ही नहीं तो उसे क्यों फॉलो करते हो? वही वीडियो देखो जो आप लोगों को जेन्युइन यानी कि जेन्युइन इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराता है। ये रिजल्ट को लेकर जो नोटिस वायरल होते हैं ना, ये मान के चलो जो भी एग्जाम लगती है, रिजल्ट को लेके जो नोटिस वायरल हो गए होते हैं ना, वो सारे के सारे फेक होते हैं। जो ऑफिशियली जो रिजल्ट होगा ना, वो आप लोगों को रेलवे की ऑफिशियली वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से यहाँ पे अनुरोध बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वही वीडियो फॉलो करें जिसमें आप सब लोगों को यहाँ पे लगता हो कि यार हाँ बंदा जेन्युइन चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, हाँ सही बोलता है बंदा, सही समझाता है, हर चीज़ को फैक्ट्स के नज़रिए से देखता है और फिर हम लोगों को बताता है। तो वही चीज़ें आप सभी लोग फॉलो करें, ये मेरा इस वीडियो में आप सभी लोगों से कहना है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं अपने काम की बात। तो वो है रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 से लेके आप लोगों का यहाँ पे रिजल्ट डेट को लेके बात करेंगे, ग्रुप डी रिजल्ट डेट को। और मैं फालतू ऐसे नहीं बताने वाला वायरल नोटिस आ गया, फलाना आ गया, बेवकूफ नहीं बनाने वाला। जो चीजें हैं वो एक्चुअल बताने वाला हूं, पूरा का पूरा वीडियो आपके हित में रहेगा। ऐसा नहीं होगा कोई पॉइंट बता के दिमाग खराब कर दिया गया। तो सबसे पहले पॉइंट हम जानेंगे इस वीडियो में, हुबली सहित 8 जोन का RTI रिप्लाई आया, और देखकर ऐसा लगता है कि कट ऑफ अब यार बहुत कम जाएगी। अब इसमें मैं कोई बना के तो नहीं बोल रहा, क्योंकि जब आप लोग खुद देखोगे अपनी आंखों से, ये चीज़ें मैं लिख के ले रहा हूँ, आप लोग ये जो डाटा देखोगे यार, RTI का जो डाटा है ना, उसमें यार मतलब ऐसा लगता है कि कहीं कहीं है ना, परसेंटेज का जो अटेंडेंस का रेशो है ना, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी नीचे बिल्कुल गिर गया। तो कट ऑफ तो कम जाना ही है, वो तो अभी बात कर लेंगे। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है इस वीडियो में, वो है आप सभी लोगों का, अब फिजिकल में NTPC के 20,000 प्लस कैंडिडेट नहीं जाएंगे। अब आप लोग बोलेंगे यार 20,000 कैंडिडेट बंदा बोल रहा है, तो कोई तो वजह होगी ना, उस वजह को भी मैं यहाँ पे डिस्क्लोज कर दूंगा क्या वजह है यहाँ पे, उसके बारे में बात कर लेंगे। और एक और आप लोगों का यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है हमारा, 40 से 45 वाले को NTPC के रिजल्ट से मौका मिलेगा ग्रुप डी की नौकरी करने के लिए, वो कैसे मिलेगा अभी समझाने वाला हूँ। और नीचे जो अभी तक बच्चे परेशान हैं, और अभी तक बच्चे किसको लेके परेशान हैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ उसके बारे में। तो वो चीज़ें, एक स्टूडेंट है जो परेशान है, उसको चीज़ को लेके कि ग्रुप डी का, हाँ ये भी परेशानी की बहुत बड़ी बात हो गई, ग्रुप डी का वेटिंग लिस्ट जिसको लेके घबरा रहे हैं स्टूडेंट। आखिरकार वेटिंग लिस्ट का मतलब एक बार समझ तो लोगों ने तो क्या क्या बोल दिया वेटिंग लिस्ट का मतलब। और सच बताओ ना तो रेलवे में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है, पर वेटिंग लिस्ट जैसी दिखती है वो लिस्ट, उसका नाम आता है सेकेंड DV थर्ड DV, उसके बारे में भी अभी बता दूंगा आप लोगों को। तो सारी चीज़ें आप सब लोगों के सामने धरने की कोशिश करूंगा। तो आपका भी ये विश्वास बनता है कि इस वीडियो को भ्रमित ना हो, मतलब डरो मत, जो सच्चाई देखेगा वो अपने आप को सही महसूस करेगा, ये आप लोग जान लो। तो सबसे पहले मैं आइए डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों का यहाँ पे, तो पहला पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों का, ग्रुप डी रिजल्ट को लेके अभी बात कर लूंगा, वो डेट क्या है अभी इसके बारे में बता दूंगा। तो मैं यहाँ से इस वीडियो को थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। हुबली सहित 8 जोन का RTI रिप्लाई देखकर आंख फटी रह गई, ग्रुप डी का कट ऑफ कम जाएगा। अब वो कैसे कम जाएगा आप लोग अपनी आंखों से ही देख सकते हो, मुझे डाटा दिखा रहा हूँ। तो ये सोच लो आप लोग ये डाटा लिखने में कितनी ज़्यादा परेशानी हुई होगी, फिर भी लिखा मैंने आपके लिए। मैं चाहता हूँ हर चीज़ आप लोग सही तरीके से देखें। तो देखो चंडीगढ़ का भी RTI रिप्लाई आया, चंडीगढ़ में ये तो नहीं बताया जैसे बिलासपुर में बताया था ना, चंडीगढ़ में जनरल की कितनी गई है, ओबीसी का कितने फॉर्म भरा गए हैं, EWS के कितने फॉर्म भरा गए हैं, SC के कितने भरा गए हैं, ST के कितने भरा है, ये तो नहीं बताया। पर एटलीस्ट इतना बता दिया टोटल स्टूडेंट का यहाँ पे 34% बच्चों ने एग्जाम देने आए हैं, ये अटेंडेंस बता दीजिए। ऐसे ही है हमारा रांची। अब रांची को भी आप लोग देख लो, 36% अटेंडेंस रहा टोटल स्टूडेंट के,
जो टोटल फॉर्म भरा गया ना उसका 36% अटेंडेंस रहा। तो आप लोग खुद सोच लो, अपनी आंखों का खुद सोच लो अपने दिमाग से, यार जनरल के कितने फॉर्म भरा गए होंगे, ओबीसी के कितने फॉर्म भरा गए होंगे, ईडब्ल्यूएस के कितने भरा गए होंगे। और थोड़ा सा समझदारी के लिए बता देता हूँ मैं यहाँ पे, जो जनरल के फॉर्म होते हैं और आप लोगों के ओबीसी के फॉर्म होते हैं और ये ईडब्ल्यूएस के फॉर्म होते हैं और आप लोगों के एससी के होते हैं और एसटी के होते हैं, सबसे कम जो फॉर्म भरा गया है ना इस ग्रुप डी में, किसी भी जोन से हो आप लोग, चाहे 1 से लेकर 16 तक जोन में किसी भी से हो, तो ये मान के चलो ईडब्ल्यूएस के सबसे कम फॉर्म भरा गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरा जाते हैं वो आप लोगों के ओबीसी कैटेगरी के यहाँ पे भरा जाते हैं, ये मान के चलो। तो आप लोग सोच लो किस तरह से यहाँ पे परसेंटेज का रेशो रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट है अजमेर। अजमेर का 42% रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अजमेर से अप्लाई करते हैं। बिलासपुर से 32%, और बिलासपुर में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बिलासपुर में जो आर्टिकल का रिप्लाई आया है, जैसे बिलासपुर में तो कैटेगरी वाइज बता दिया, इस कैटेगरी में इतने फॉर्म भरा गए, इस कैटेगरी में इतने फॉर्म आ गए, इस कैटेगरी में इतने, लगभग लगभग देखा जाए तो बिलासपुर में 32% यानी कि 73,000 के समथिंग बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम दिया है। आप लोग देखो ये आरटीआई की रिप्लाई, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये रेलवे खुद बोल रहा है अपना ऑफिशियल डाटा दिखा के। सिकंदराबाद देखो 30% डाटा, मतलब 30%। अब खुद सोचो, कहाँ तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे 45 से लेके 50% अटेंडेंस रहा है। तो अब आप लोग खुद देख लो क्या तो डाटा है। और हाँ, हमारी जो जोन है ना, अहमदाबाद और पटना, इनका कोई डाटा नहीं है, इन्होंने मना कर दिया डाटा देने के लिए। तो ये मान के चलो ऐसा नहीं है पूरे के पूरे 16 जोन आप लोगों को आरटीआई की रिप्लाई दें। हर जोन अपना अपना होता है, अपने अपने यहाँ पे बोर्ड होते हैं, वो अपने सुविधा के अनुसार काम करते हैं। तो ये तो आप लोगों का आरटीआई रिप्लाई को लेके बात हो गई। हर चीज़ को बारीकी से समझा रहा हूँ, तो इस वीडियो को आराम से देखिए आप लोग, जो मेहनत की है सिर्फ आप लोगों के लिए ही की है। अब एक और आप लोगों का हुबली, अब हुबली का यहाँ पे किसी बंदे ने आरटीआई लगाया हुआ है तो यहाँ पे आप लोग भेज सकते हो, पर मैं हुबली का आरटीआई मैंने जो डिस्क्लोज किया है वो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे। आरटीआई जो मैंने हुबली का बनाया है वो आरआरबी बिलासपुर जैसे सभी जोन को नज़र रखते हुए मैंने इस तरह से चीज़ें बनाई हैं, ये आप लोग देख सकते हो ये मेहनत। और जबकि मैंने इसके ऊपर एक फुल वीडियो भी बना चुका हूँ, और जिसे हुबली जोन वाले ने देख लिया होगा उसको तहे दिल से धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को देखा, काफ़ी प्यार दिया, उसके लिए आप सब लोगों को थैंक्स। तो ये चीज़ें मैंने बनाई है आप लोगों के यहाँ पे, जिसमें मैंने हुबली को लेकर बात की है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, मैं अभी ही डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, और उस वीडियो को आप लोग देख लो। जो भी बंदा हुबली से है, हुबली की आरटीआई से संबंधित मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है, समझाया है कि कितने कितने स्टूडेंट वहाँ पे कैसे कैसे बैठे थे, जनरल में कितने बैठे हैं, ओबीसी में कितने बैठे हैं, ईडब्ल्यूएस में कितने बैठे हैं, एसटी में एसटी और एससी में कितने बैठे हैं, उसको यहाँ पे मैंने डिस्क्लोज किया है। तो आप लोग हुबली वाले जो भी हो उस वीडियो को देख लो, आपका यहाँ पे हालांकि आप लोगों को ऑफिशियली तो चीज़ नहीं पता लगेगी, पर ये मान के चलो वो लगभग लगभग आप लोगों का 80% तक डाटा सही है, ये 80% डाटा सही है हुबली का। तो आप लोग उस वीडियो को देख लो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब फिजिकल में एनटीपीसी वाले नहीं जाएंगे। अब बोलेंगे बंदे, अरे कैसे नहीं जाएंगे, आप लोग देखो यहाँ पे। अब ग्रुप डी वालों के लिए यहाँ से इतनी बड़ी खुशी है, अगर आप लोग समझो ना इस बात को, तो ये समझ लो आप लोगों के लिए खुशी है एक तरह से। कैसे खुशी है देखो, लेवल्स इसकी ज्वाइनिंग चल रही है, ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ज्वाइनिंग लेटर का मतलब है हम लोगों ने स्टेशन मास्टर में ज्वाइन हो चुके हैं, हम ग्रुप डी में ग्रुप डी की तरफ देखेंगे भी नहीं, ज्वाइनिंग लेटर का मतलब ये है आपके लिए। लेवल 5 के रिजल्ट की बात करें तो लेवल 5 का रिजल्ट आना शुरू हो गया, जिसमें चेन्नई बोर्ड का तो आ चुका। तो आप लोग खुद सोच लो यहाँ पे, जिसका यहाँ पे एनटीपीसी में लेवल 5 का रिजल्ट में हो चुका है, वो क्या जख मारने जाएगा ग्रुप डी में? नहीं जाएगा। और यहाँ पे लेवल 5 के रिजल्ट को लेके बात करें, यहाँ पे कट ऑफ तो हाई रहा है बहुत ज़्यादा, पर हालांकि एक बोर्ड का रहा है कट ऑफ, तो अभी तो 21-20 आरआरबी है, तो कैसे कह सकते हैं सभी बोर्ड का हाई रहेगा। कुल मिला के एक बात बोलूँ यहाँ पे, लेवल 5 के रिजल्ट से आप लोगों को इतना फ़ायदा मिलने वाला है, जो बच्चा अभी ग्रुप डी में जाता फिजिकल देने या फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जो जाता, वो सीट आपके लिए खाली रह जाएगी, और यहाँ पे दूसरे बच्चे वाले जो कम नंबर है ना उनको नंबर को मौका मिलेगा। ये बात आप लोग यहाँ पे जेहन में बिठा के रख लो ये बात। अब बात करें आप लोगों यहाँ पे टाइपिंग स्टेटस की, तो टाइपिंग स्टेटस ग्रुप डी का आ रहा है, उससे पता लग जा रहा है किसी बच्चों को कि मेरा हालांकि यहाँ पर लेवल 5 का रिजल्ट तो एक ही बोर्ड का है, पर टाइपिंग स्टेटस तो 9 बोर्ड के आ चुके हैं, बाकी अभी और भी आ जाएंगे। तो टाइपिंग स्टेटस से ये पता लगता है कि मुझे और अदर एग्जाम की तरफ फोकस करना है नहीं करना। तो बहुत सारे यहाँ पे टाइपिंग में पास हुए हैं, तो उनको भी पूरा पता है कि आने वाले समय में कुछ ही दिनों बाद में हमारा लेवल 5 का रिजल्ट आएगा, तो हम एनटीपीसी में सेलेक्ट हो जाएंगे, हम ग्रुप डी में नहीं जाएंगे, ये बात उनको पता है, और वो नहीं ऐसी इस तरह से होंगी चीज़ें। तो कुल मिला के एक बात बोलूँ, यहाँ तो जो
यहाँ तो लेवल्स इसकी जो स्टेशन मास्टर की जॉब कितनी है एंट्री पीसी में लगभग लगभग देखा जाए तो 6,865 के समथिंग वैकेंसी है। तो 6,865 तो ये तो नहीं जाएंगे, कितने हो गए, मैंने लिखे थे 20,000 लिखे थे तो 6,800 ये हो गए। और लेवल 5 के अंदर कितनी पोस्ट हैं, 17,393 पोस्ट हैं। तो ऐसे में 17,393 और 6,000 के समथिंग, यानी ओवरऑल मैं देखूं तो यहाँ पे से ये मान के चलो 20,000 के समथिंग कैंडिडेट नहीं जा रहे आप लोगों के यहाँ पे। ये चीज़ें आप सब लोगों के सामने आएगी, अभी देख लेना और समय गुजरने दो, अब लेवल 5 का भी कंप्लीट आ जाएगा और यहाँ तक कि लेवल 5 का तो DV और मेडिकल भी शुरू हो गए, तो यानी कि ज्वाइनिंग लेटर भी आएंगे इनके लेवल इसी तरह ही। तो आप लोग खुद सोच लो, फायदा तो होने वाला है, ये तो हकीकत है। अब चलते हैं आप लोगों का ये वाला पॉइंट पर चलते हैं, 40 से लेके 45 वालों को NTPC के रिजल्ट से एक और मौका मिलेगा, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, अभी आप लोग समझ गए होंगे। NTPC का रिजल्ट आ रहा है, फाइनल रिजल्ट, और दम अदम आए जा रहे हैं हर लेवल के, तो ये तो फायदा मिलेगा। और 40 से 45 वालों को भी यहाँ पे सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर सोचो NTPC के ये रिजल्ट नहीं आते तो ये तो ग्रुप डी की जॉब ले लेते और आपकी लाइफ बर्बाद कर देते, तो अब तो फायदा मिलेगा, ये तो पक्का है, निश्चित है ये तो। अब चलते हैं आप लोगों का आखिर वेटिंग लिस्ट को, अब वेटिंग लिस्ट को समझ लो आप लोग यहाँ पे, और वेटिंग लिस्ट को समझ दें फिर हम लोग यहाँ पे ग्रुप डी के रिजल्ट को लेके बात करेंगे उसके बारे में। तो आखिरकार वेटिंग लिस्ट को मिला के इस बात के फोकस कर लो आप लोग यहाँ पे, तो वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या है, देखो पहले जो 2018 की भर्तियाँ थी वो थी आप लोगों के जैसे ग्रुप डी ये रहा और आप लोगों का ALP रहा, तो इनमें क्या था, रेलवे ने क्या किया था, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान था और वेटिंग लिस्ट के प्रावधान को यहाँ पे अब खत्म कर चुका है NTPC में, एक कोरिजोंडम नोटिस निकाल दिया, एक अमेंडमेंट्स नोटिस निकाल दिया और वहाँ पे लिख दिया रेलवे ने हम वेटिंग लिस्ट के प्रावधान को हटा रहे हैं इस नोटिस में से, और ये NTPC में लागू होगा और ये आप लोगों का आने वाले समय में ग्रुप डी में भी लागू हो चुका है। कैसे, 1:1 कैंडिडेट में बुला रहे हैं, नहीं समझ में आई होगी ना बात, अभी समझ जाओगे आप लोग यहाँ पे। अब बात यह है कि यार 2018 की भर्ती में जब आप लोगों के यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का प्रावधान था तो बच्चे ये सोचते थे मेरे नाम तो वेटिंग लिस्ट में आ गया तो मेरी तो नौकरी पक्की है। जब वेटिंग लिस्ट में नौकरी का नाम, वेटिंग लिस्ट में नाम आया तो वो सब घर वाले सोच लेते कि वेटिंग लिस्ट पक्की है, मेरे तो पक्का सिलेक्शन होगा। जब ऐसा भी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं तो वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होते हैं, मेडिकल में रिजेक्ट होते हैं, जब उनको बाहर निकाला जाता है ना तो वो बच्चे बोल लेते हैं कि हमको वेटिंग लिस्ट से बाहर क्यों निकाल रहे हो, हमको वेटिंग लिस्ट से बाहर क्यों निकाल रहे हो, हम तो यहाँ पर, हमारा तो जो पक्का हो गया, हमारे वेटिंग में नाम आया तो जो पक्का हो गया। तो इसी को ही दूर करने के लिए रेलवे ने क्या किया, हमारे जो वेटिंग लिस्ट को उनको हटा दिया गया वेटिंग लिस्ट को, और ये ला दिया कि यहाँ पे और जिस बच्चे का यहाँ पे DV और मेडिकल में फेल हो जाता है, यानी कि मैं 1:1 के अंदर कैंडिडेट बुलाएंगा, यानी जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चों को बुलाएंगे, अगर उन बच्चों में से कोई बच्चा DV स्किप करता है, मेडिकल स्किप करता है या मेडिकल में है ना फेल हो जाता है तो फिर तभी मैं आप लोगों को यहाँ पे सेकंड DV और थर्ड DV फोर्थ DV इस तरह से कंटिन्यू फॉर्म में मैं निकालते रहूँगा यहाँ पे नोटिस और आप लोगों को बुलाते रहूँगा, और ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक वो वैकेंट पोस्ट पूरी नहीं भर जाती। तो ये चीज़ें आप सब लोगों के सामने हैं, तो वेटिंग लिस्ट रेलवे में है नहीं, और डायरेक्ट रूप से देखोगे तो वेटिंग लिस्ट नहीं है, और इनडायरेक्टली रूप से देखोगे तो वेटिंग लिस्ट जरूर है रेलवे में। तो कुल मिला के एक ही बात है, जिनका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो उनका सेकेंड DV में होगा, फर्स्ट DV में नहीं होता है तो सेकेंड DV में होगा, थर्ड DV में होगा, फोर्थ DV में होगा, इस तरह से आप लोगों के DV चलते रहेंगे तब तक कि जब तक ये रेलवे खुद अपनी पोस्ट कंप्लीट नहीं कर लेता। तो ये हो गया आप लोगों के वेटिंग लिस्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं आप लोगों का दूसरा मेन पॉइंट है हमारा ग्रुप डी रिजल्ट को डेट को लेके। यार ग्रुप डी रिजल्ट के डेट को लेके है ना लोगों ने हल्ला मचा दिया है, लोगों ने हल्ला मचा दिया। वो कैसे, ग्रुप डी रिजल्ट के नोटिस ऐसे वायरल हो रहे हैं जैसे यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे उसके बारे में क्या ही बताना, रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं बात होती, सच्चाई नहीं होती, फेक नोटिस आ रहे हैं लगातार। इन फेक नोटिस से आप लोग बचो, और ग्रुप डी रिजल्ट के बारे में रेलवे ने खुद ऑफिशियली जानकारी देके बोल रहा है, वो रेलवे ने ऑफिशियली जानकारी दी थी कि मैं दिसंबर 2022 में आप लोगों का ग्रुप डी का रिजल्ट जारी कर दूंगा। जब रेलवे ने ऑफिशियली बोल दिया गया है कि मैं दिसंबर में ग्रुप डी का रिजल्ट दे दूंगा, जनवरी में यहाँ पे फिजिकल करवा लूंगा, फरवरी में यहाँ पे फिजिकल करवा लूँगा, फरवरी में DV मेडिकल कराऊंगा, मार्च अप्रैल में जॉइनिंग दे दूंगा, इस प्रोसेस को जब रेलवे ने खुद ने अपने ऑफिशियल नोटिस जारी करके बता दिया है, तब आप लोग यहाँ पे
इनके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, फेक नोटिस के चक्कर में। तो कुल मिला के एक ही बात करूंगा, अगर यहाँ पे दिसंबर में 2022 में आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया, इससे पहले ही आ जाएगा, हालांकि रेलवे ने दिसंबर 2022 बोला है, तो ये मान के चलो आप लोगों यहाँ पे लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आप लोगों का ग्रुप डी का रिजल्ट जारी हो जाएगा। और ना लास्ट वीक ऑफ नवंबर में नहीं होता है तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों का ग्रुप डी का रिजल्ट आ जाएगा, और ये लिख के ले लो। तो फालतू की वीडियो देखना बंद करो। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आप सब लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, और हर चीज़ को बारीकी से समझाएं। और हुबली जोन वाले जिसने आरटीआई का वीडियो नहीं देखा है वो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके टैप करो और देख लो हुबली जोन का आरटीआई का, जो कि हालांकि ऑफिशियल नहीं है, पर चीज़ें आप लोगों को 80% तक आप लोगों के यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये सारी जानकारी थी, मिलते हैं जल्दी अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ।